गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तुतानाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंड प्रणाम। हम पिछले काफी समय से एक ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं, उपदेशामृत और श्लोक नंबर दूसरा। हमारा हमने जो अभी तक कर दिया है अत्याहार प्रयाशस्य प्रजल्प, प्रजल्प हमारा अभी जो विषय है क्या है, प्रजल्प। तो हमने अत्याहार हमारा हो गया प्रयाशस, प्रयास में हमने लास्ट टाइम हमने सुना था, जो वो ये सुना था कि जो भक्ति विरोधी जो भी क्रियाएं हैं, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, वो सब क्या है, व्यर्थ है। हमने एक उदाहरण बताया था कि जिस प्रकार से भूसे को कितना भी हम कूट लें वो क्या रहेगा, भूसा ही रहेगा, उससे कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। और हमने कुछ बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण से इसको समझा था कि हमारे श्रील भक्तिविदान नारायण गोस्वामी महाराज जी बताते थे कि हमने जीवन भर जितना परिश्रम किया, जितना धन कमाया, और जाते समय जितना हमने धन छोड़ा, वो सब क्या था, हमारा व्यर्थ का परिश्रम था। ठीक है, वो सब हमारा व्यर्थ का परिश्रम था। और हमने दो चार कथाएँ भी सुनी थी, जैसे कि कौन सी कथाएँ थी, एक तो 99 के फेर की और आरूप सिद्धा भक्ति वाली, दो हमने कथाएँ सुनी थी। तो हमें परिश्रम तो हमने किया, भक्ति विरोधी तो ये परिश्रम था, लेकिन क्या भक्ति संबंधी, भक्ति में कोई परिश्रम करना पड़ता है? तो हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं नहीं, भक्ति करने के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तो देखा जाए भाई, भक्ति के लिए परिश्रम नहीं करना तो भैया हम तो रोज़ सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, हैं मंगल आरती में आना पड़ता है, हैं रसोई बनानी पड़ती है, हैं और तो और परिक्रमा करो, इतने कष्ट से परिक्रमा करनी होती है। तो सारी क्रियाएं देखा जाए तो सब की सब क्या है, एक तरीके से परिश्रम ही है। लेकिन श्री हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि भक्ति में कोई परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो बताया कि स्वाभाविक, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की, बच्चा है अगर रात को अगर बिस्तर में पेशाब कर दे तो क्या वो कहती है नहीं छोड़ सुबह करूँगी, नहीं वो क्या करती, स्वाभाविक रूप से बच्चे को ठंड लग जाएगी, उसकी सेवा करेगी, उसके कपड़े चेंज करेगी, है ना। स्वाभाविक रूप से बच्चे को कभी भी भूख लगी हो कभी ये नहीं देखेगी कि क्या समय है, वो हमेशा उसके लिए सेवा में तत्पर रहेगी। तो वो कोई प्रयास नहीं है। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो हमारे जो महाराज जी लोग हैं, जो महाभागवत लोग हैं, इनको हमेशा कभी भी प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, स्वाभाविक रूप से इनके अंदर स्वतः ही भक्ति होती है। जैसे कि हमारे श्री भक्तिविदान नारायण गोस्वामी महाराज जी एक बार विदेश में थे, तो भक्तों ने उन्हें आमंत्रित किया और उन्हें एक बहुत अच्छे होटल में रुकवाया। तो सब लोगों ने सोचा कि महाराज जी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो ताकि महाराज जी शांति से रह सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन क्या हुआ, उस होटल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था और बड़ा शोर हो रहा था। अब भक्त लोगों ने सोचा कि भैया हमारा तो अपराध हो गया, हमने तो सोचा महाराज जी को रात को आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो कष्ट हुआ, रात भर हुआ डीजे चल रहा है, गाने चल रहे हैं। तो सुबह भक्त लोग गए महाराज जी के पास और प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी हमसे, हमें क्षमा करना, हमने आपकी सेवा में हमसे हो नहीं पाई सही से, और आप लोग, आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, रात भर आपको इतना शोर सुनना पड़ा। तो हमारे महाराज जी ने कहा कष्ट कौन सा, कष्ट कौन सा शोर, कह रहे थे मुझे तो रात भर कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो क्या था, वो उस वहाँ के भाव में थे, उनको ये सब चीज़ें पता नहीं चल रही थी। एक और उदाहरण, एक बार वो विदेश में समुद्र के किनारे रोज मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। तो एक भक्त ने बोला कि गुरुदेव आप रोज यहाँ मॉर्निंग वॉक करने क्यों आते हैं? तो गुरुदेव ने क्या बोला, मैं मॉर्निंग वॉक करने, मैं तो क्या कर, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। तो उनका भाव क्या था, वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो भक्तों को कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वाभाविक रूप से उनकी सारी क्रियाएँ भक्ति कहलाती हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है प्रयासिस, ये कम्प्लीट हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्रजल्प। तो प्रजल्प में बताते हैं कि प्रजल्प क्या है, कि परस्पर कथोपकथन, जो भी हमारा आपस में कथोपकथन होता है वो प्रजल्प कहलाता है। इसमें कुछ भक्ति विरोधी होता है, कुछ भक्ति संबंधी होता है। तो जो भी हमारा प्रजल्प
जिसके द्वारा हमारा समय व्यर्थ होता है, समय व्यर्थ होता है और ग्राम्य वार्ता होती है, सब क्या कहलाते हैं, प्रजल्प कहलाता है। तो प्रजल्प के अंदर क्या है प्रजल्प, तो देखा जाता है आजकल संसार में कि कुछ भी 90% लोग ये प्रजल्प में पड़े हुए हैं। लोगों का क्या है, शास्त्रों से विश्वास उठ गया है। आजकल क्या है, क्या चल रहे हैं दुनिया में, मैगजीन, उपन्यास, ये सब चीज़ों में लोगों की ज़्यादा रुचि है, ग्रंथों से ज़्यादा। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण बताया गया है कि लोगों के अंदर भोगवृत्ति बढ़ गई है, सब बहिर्मुख हो चुके हैं और भोगवृत्ति बढ़ गई है। तो जिस कारण से लोग गुरु परंपरा गुरु शिष्य की जो प्रणालियों से भूल गए, गुरु का आश्रय न करते हुए अपने मनोभाव से, अपने धर्म, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से शास्त्रों को पढ़ने का और जानने का प्रयास करते हैं, अपनी मनोवृत्ति से उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि 90% लोग अगर उनसे भक्ति संबंधी बातें की जाए तो क्या बोलते हैं, कर्म करो, भगवान ने बोला कर्म करो। लेकिन देखा जाए तो पूरी भगवद गीता में, किसी भी शास्त्र में कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा गया कि कर्म करो, भगवान ने कहीं नहीं कहा। भगवद गीता में भी कहा गया है, लेकिन ये कहा गया है कर्म योग, कर्म और योग, योग यानी जोड़ना। तो जो हमारा कर्म है वो किससे जोड़ता है, भक्ति से जोड़ता है। लेकिन 90% लोगों को ये नहीं पता, वो क्या करते हैं, कहाँ पढ़ लेते हैं, ये कौन सी गीता में लिखा है, इसे बोलते हैं ट्रक गीता, जो ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस उसको लोग पढ़ के और दुनिया को ये बताते हैं। वास्तव में उन्होंने कभी भगवद गीता तो खोली नहीं है ना। तो ये क्या बताया गया कि उन्होंने कभी गुरु शिष्य प्रणाली को कभी फॉलो ही नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं कि ये क्या है। इसी संबंध में हमारे जो गुरुवर्ग हैं, जो शास्त्रों में आरुणि उपमन्यु की कथा बताई गई है कि किस प्रकार उन्होंने अपने गुरुदेव की बातों को धारण करके और उनके हृदय में सारे शास्त्र प्रकाशित हुए, है ना। तो वो कथाएं हम सब लोग जानते ही हैं। तो अब जो ये बताया गया है प्रजल्प कई प्रकार के होते हैं, प्रजल्प के कई प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले बताया गया है प्रजल्प में वृथागल्प। तो वृथागल्प के अंदर जो हमारे अंतर्गत आता है, तो देखा जाता है कि भक्ति जगत में और साधारण जगत में व्यक्ति सुबह सुबह दो चीज़ करता है। भक्त जो है उसकी क्रियाएं क्या रहती हैं, वो सुबह सुबह भगवान का नाम करेगा, भगवान का दर्शन करेगा। लेकिन संसारी जगत में व्यक्ति दो क्रियाएं करता है, वो क्या करता है, न्यूज़पेपर और चाय। 99% लोग सुबह सुबह लोगों को क्या चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए और चाय चाहिए। एक दिन मैंने प्रमोद जी से पूछा कि प्रमोद जी आपका न्यूज़पेपर का काम है तो कितने लोग लेते हैं, कह रहा पूरा बढ़ोत लेता है। लेकिन देखा जाए तो हमारे गुरुवर्ग की जो मैगजीन जो चल रही है, हमारी पत्रिका, वो गिने चुने 5-10 लोग ही लेते हैं। न्यूज़पेपर पूरा बढ़ोत लेता है, लेकिन जो पत्रिका है वास्तव में वो कोई नहीं लेता। क्यों, लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। इसे बोलते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। एक चाय की चुस्की ली, एक खबर, मोदी और राहुल की लड़ाई हुई, उसने उसको गाली दी, सुबह सुबह ये बातें। एक चुस्की ली, आज आमिर खान ने दूसरी शादी कर ली। एक चुस्की ली, आज सचिन तेंदुलकर ने इतना रन बनाए और उसका बैट 1 करोड़ में बिचा। सारी खबरें यही होती हैं। 4 तरह की खबरें होंगी, या तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबर होगी, उस नेता ने उसको ये कहा, उसने ये कहा। दूसरा फिल्मी जगत की खबरें होंगी, वो हीरोइन उसके साथ भाग गई, उसने उसके साथ फिल्म की। तीसरी क्या होगी, क्रिकेट से, खेल जगत से, वो क्रिकेटर ऐसा रहा, उसने ऐसा रहा। चौथी होगी कि भैया वहाँ ऐसा मर्डर हुआ और वहाँ ये हुआ। पर इसी चारों तरह की जो वृथागल्प है न्यूज़पेपर में, यही सब पाई जाएगी और इसी में व्यक्ति लगा रहेगा। अब वास्तव में देखा जाए कि, देखो मैं नॉर्मल सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमारे आजकल होता क्या है, राहुल गांधी और मोदी आपस में लड़ रहे हैं, पार्टी बनी है, बीजेपी कांग्रेस ये सब बनी हुई है। लेकिन इनकी वजह से कौन लड़ रहा है, साधारण लोग लड़ रहे हैं। मेरे ऑफिस में भी लड़ाई हुई थी एक बार, दो पक्ष हो गए थे, एक मोदी का पक्ष था और एक राहुल गांधी का, और उनकी आपस में लड़ाई हो गई। तो देखा जाए तो लड़ाई का कोई फ़ायदा है क्या, मोदी तुम्हें कुछ देगा या राहुल कुछ देगा, नहीं देगा। लेकिन भक्ति जगत में जो भगवान के लिए लड़ जाता है, उसको लेके है, उसको भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। तो इसमें हमारी एक चैतन्य चरितमृत में भी एक हमारा एक वर्णन आया गया कि एक, मुझे तो अभी उनका नाम याद नहीं है, कि जो वो महाप्रभु जी को मानते थे और नित्यानंद प्रभु जी को नहीं मानते थे, कौन थे वो, उनको बोला कि तुम भैया
रामचंद्र खान ठीक है। अर्ध कहते हैं अर्ध कुकुट न्याय कर रहे हो तुम, एक को तो मानते हो दूसरे को नहीं मानते। तो उसमें दिखाया गया कि वो महाप्रभु जी के पक्ष में थे और नित्यानंद प्रभु जी को नहीं मानते थे, तो उन्होंने अपने भाई का त्याग कर दिया, अपने भाई को भी त्याग करके चले गए थे, तो उन पर नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हुई। तो वहाँ तो देखो भक्ति जगत में तो कृपा हो रही है, लेकिन साधारण जगत में मोदी की कितनी तारीफ कर लो, तुम्हें कुछ प्राप्त होगा नहीं, वो सब क्या है वृथागल्प, बस इधर उधर की बात है, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। अभी कुछ टाइम पहले एक खबर आई थी कि बहुत काफ़ी टाइम हो गया कि सचिन तेंदुलकर का एक बैट था जिसने जब वो वर्ल्ड कप जीते थे या 2020 कुछ भी या पहले का, तो वो बैट था कह रहे 5 करोड़ रुपए में बिका। अब उसके बैट का क्या हो जाएगा भैया, कुछ होगा, खबर फैल गई, लोगों की चर्चा चल रही है। हाँ 5 करोड़ रुपये में बैट खरीद लिया, अब उसका क्या होगा। तो भक्ति जगत में देखा जाए तो अगर भगवान की एक साधारण सी, अगर जो भगवान की जो पुष्पमाला है, कहते हैं अगर ये भी हमने धारण कर ली तो कहते हैं इसे माया से भी हम जीत सकते हैं। भगवान की जो पुष्पमाला है, भगवान का चरणामृत है, ये क्या है, उससे भी ज़्यादा बहुमूल्य है। लेकिन हमारी चर्चा क्या रहती है कि संसार में क्या चल रहा है, हीरो हीरोइन, लोग इतने पागल हैं, कोई पता चल जाए कोई हीरोइन आ रही है हीरो आ रहा है, उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी नौकरी से छुट्टी ले ला के दौड़ेंगे भागेंगे, हैं कहेंगे नहीं उनसे हम प्यार करते हैं, उनकी फ़ोटो बना लेंगे, उनके टैटू बना लेंगे और दिखाएंगे हम तुमसे प्रेम करते हैं। भैया वास्तव में अगर इतना प्रेम करें तो भगवान को दिखाओ, है ना। अगर इतना प्रेम हमारा भगवान से हो जाए, भगवान के लिए हमारी इतनी चेष्टा हो जाए तो क्या हो जाए। लेकिन क्या है, वृथागल्प, हमारा सारा जो सारा समय सब कुछ कहाँ चले जाता है, इधर उधर की बातों में। संसार में देखा जाए तो 99% लोग सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं बातों में पड़े हुए हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, उसने क्या किया, इसने क्या किया। तो ये क्या सब क्या है, भक्ति विरोधी। तो ये सब किसके अंदर आता है, प्रज्वल्प के अंदर। तो पहला हमारा था वृथागल्प, तो हम जो दूसरा है वह हम कल सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वांछाकल पितृवश्य के पास पतिता नाम पावनी भी हो वैष्णवी भी हो नाम। हरे कृष्ण ओम ज्ञान संग्राम दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुगे प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। किसी ने प्रभुपाद को प्रश्न किया है, कहते साधु संघ क्या विशेष प्रयोजन है, साधु संघ क्या हमें विशेष प्रयोजन है, क्या साधु संघ करने की कोई जरूरत है क्या, बस साधु संघ करने का कोई विशेष जरूरत क्या है, किसी ने प्रश्न किया। तब प्रभुपाद कहते हैं निश्चय जीवन में साधु संघ करनी चाहिए, इसलिए बोले साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संघ सर्वसिद्धि है। इसे जितने सारे शास्त्र एक ही चीज कहते हैं, कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु
सुलभ ना सो, जरूर साधु संग करनी चाहिए। भले साधु संग अपरिहार्य प्रयोजनीय प्रयोजनीय, यहाँ पर कहते हैं जो साधु संग है क्या है, अपरिहार्य प्रयोजनीय। इसका मतलब है साधु संग जरूर करनी चाहिए। अभी तक हम थोड़ी बहुत जो भजन कर रहे हैं, बताओ किसकी प्रभाव से, किसकी प्रभाव से आज हम गले में कंठी तिलक माला, जो थोड़ी बहुत भजन तो हो ही नहीं रहा, भजन हो जाए, इसलिए भजदा तो सेवा, भजन मतलब होता है सेवा। बोले सेवा कब होता है, जब संबंध ज्ञान हो। जैसे एक स्त्री पति की सेवा करती है, कैसे सेवा करती है, उनको पता जब शादी हो गया, साथ फेरा लगा लिया अग्नि को साथी करके, आज से मैं इसकी पत्नी, ये मेरी पति है। जब संबंध बना पत्नी भाव से पति की सेवा करता है, हैं कहते जब संबंध बनेगा तब सेवा होगा, संबंध के बगैर सेवा नहीं होता है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी बहुत जो सेवा कर रहे हैं, केवल संस्कार कैसे हमारे बन जाए, धीरे 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 ठाकुर की सेवा करते करते हमारी थोड़ी सी संस्कार कैसे बन जाए, केवल इसी के लिए हम थोड़ी बहुत प्रयास करें, और हमारे कुछ नहीं है। अगर थोड़ी सी कुछ इधर उधर हो जाएगी ना, सेवा फेवा छोड़ छाड़ करके बस, उस समय सेवा फेवा कहाँ रहेगी, सारी सेवा को छोड़ छोड़ भाग जाते हैं, तो सेवा फिर कहाँ गई सेवा तुम्हारी। इसलिए कहते जब तक तुम्हारी संबंध ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी सेवा नहीं हो पाए। इसलिए कहते उसी तरह अभी थोड़ी बहुत जो हम सेवा करने की केवल प्रयास करते हैं, क्यों, चूँकि हमें साधु संग मिला है, साधु संग से ही हमें पता चला, क्या पता चला, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवर तटस्था शक्ति कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण बोले सही जीव अनादि वैर्मुख अतएव माया तारे दये संसार। इसलिए क्यों हमें साधु संग मिला है, पता चला हम कृष्ण का नित्य दास, केवल पता चला, अभी हमारे हृदय में कोई भावना है नहीं, केवल इतना ही पता चला हम कृष्ण की नित्य दास है, और तटस्था शक्ति से ही हमारी सृष्टि हुआ है। इसलिए हम क्यों माया में आए, कृष्ण को भूलने के नाते कृष्ण का जो बहिरंगा शक्ति माया ने ये कारागार बनाया, और ये कारागार में हमें ठोस दिया, कारागार में हमें ठोस करके तरह तरह का दुख कष्ट को प्रदान करते हैं। इसलिए कहते साधु संग बहुत जरूरत है। वही व्यक्ति आप देखना बड़ों में पता नहीं कितने लोग माला लिए, कितने लोग माला लिए, आधा बड़ों तो लिया हो, लेकिन अभी कितने भजन कितने लोग कर रहे हैं, जितने लोग को साधु मठ में आ रहे हैं ना, जितने लोग केवल उतना लोग भजन कर रहे हैं। हाँ लोग थोड़ी बहुत अपना मन मर्जी कर दिया, थोड़ी सी जो कुछ कर दिया, लेकिन जो सही सही प्रॉपर रूप में जो भजन करने की थोड़ी बहुत जो चेष्टा कर रहे हैं, जो केवल मंदिर में और कोई नहीं कर रहे। मैं कुछ लोगों को देखा गला से माला ही उतर गया, तिलक ही नहीं लगा, तो माला ही नहीं करते, क्यों, साधु संग मिल नहीं रहा है। माला तो ले लिया गुरु जी से, लेकिन हृदय में तो कृष्ण भक्ति बीज तो बो दिए, अगर उसमें पानी नहीं देंगे तो कब तक पेड़ जिंदा रहेगा, तो मर जाएगा। अभी तो हम छोटे पेड़ हैं, है पेड़ दो तरह का है, कहते एक पेड़ होता है बड़ा और एक छोटा, जो छोटा होता है रोज रोज उसमें पानी देने का जरूरत है, तभी वो हरा भरा रहेगा, है इसलिए अगर पानी नहीं देगा तो सूख जाएगी। लेकिन पेड़ जो बड़ा हो जाता है ना, वो अपने आप पानी अंदर से अपने आप सोख पानी ले लेती है। इसका मतलब भक्ति करते करते जब हमारी निष्ठा हो जाता है, है? निष्ठा स्थिति आ जाती है, फिर तो कहीं भी रहे तो अपना साधन भजन को, नाम कीर्तन भजन साधन को कर ही लेता है, है? उसके लिए कर ही लेता है। इसलिए कहते साधु संग अपरिहार्य, मतलब है निश्चित रूप में हमें साधु संग करनी चाहिए, है? इसलिए एक उदाहरण देखो, कहते हैं एक घर है कोई एक उसका जो मालिक कहीं बाहर गया हो, लेकिन वो घर का चारों तरफ में दीवार लगा हुआ, लेकिन एक घर है मालिक बाहर गया लेकिन उसने एक गार्ड रख कर गया, आप बताओ वो दोनों में
कौन सा घर सेफ रहेगा? घर भले ही चार तरफ में जितने दीवार क्यों नहीं हो, चोर कभी भी छलांग लगा कर आस करके घर को तोड़ करके पैसा ले सकता है। लेकिन जिस घर में गार्ड है ना, कुछ भी नहीं, घर में कोई दीवार फिर कुछ भी नहीं, लेकिन एक गार्ड है ना, फिर क्या होगा? वो घर उसका सुरक्षित। उसको पता भैया हमने गार्ड को रख करके आया है, हर महीना महीना पैसा लेता है, मेरा घर सुरक्षित है। कहते उसी तरह कहते जो भजन ही कहते गार्ड किया बोले साधु संग। अगर हम साधु संग में रहेंगे हर समय ना, बस हमारी गार्ड बना हुआ है, हमारी गार्ड बनी हुई है, हैं ये भक्ति चित हर समय भक्ति रह, भक्ति हर समय चलते रही, इसलिए गार्ड की विशेष जरूरत है। इसलिए जैसे हमारे वृंदावन में हमारे वहाँ परमेश्वरी प्रभु, हाँ परमेश्वरी प्रभु, उन्होंने पूरा कड़क नियम है, बस मेरे को इस बार बोल रहे थे हैं, बोले तो मैं तीन गुना शासन करता हूँ, तीन गुना मैं शासन करता हूँ। अभी उन्होंने एक बच्चा आया मंदिर में, बच्चे आया तो वो थोड़ी सी सोने वाला, अपना सुख सुविधा देखने वाले हैं, वो सोने वाला सुख सुविधा, पर परमेश्वरी प्रभु ने किया कि उसको परम बोले कौन आरत में नहीं आएगा, उन्हें रजिस्टर बनाया, रजिस्टर बनाया है कौन आया कि नहीं आया। देखा ये टाइम से मंगलारती में नहीं आता है, अभी उसको पर दायित्व दे दे, बोले तुम्हारे पर काम है, तुम्हारे रजिस्टर में ये करना, टेक मारना कौन आरती में आए और कौन नहीं आए। देखा वो आने में लेट करता है, अभी जिसको पर दायित्व तो सबसे पहले उनके ही आना पड़ेगा, उसको ही आना पड़ेगा। इसलिए अगर हम सही साधु की भक्तों की अगर हम आनुगत्य में रहेंगे ना, हमारी भक्ति सही सही भक्ति, हमारी सही सही भक्ति जरूर सही सही भक्ति होगी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अपरिहार्य मतलब निश्चिंत रूप में हमें साधु संग करनी चाहिए, बगैर साधु संग से हमारे कल्याण नहीं हो सकता है। अकेले रहेंगे तो जैसे मंदिर में देखो यहाँ पर भक्त लोग एक साथ में रह रहे हैं, इसलिए मंगलारती में कोई आ रहे हैं, अगर कोई जाकर अलग रह जाए मंगलारती में आएगा? मंगलारती में आएगा नहीं आएंगे? कोई हैं सोते रहेंगे, सोते रह जाएंगे मंगलारती में नहीं आएंगे? बोले मंगलारती है नहीं, सोते रहो, कौन कोई कौन किसको बुलाने वाला, कौन किसको बुलाने वाला, सोते रह जाएंगे। इसलिए कहते हमको ना साधु संग में रहते रहते हमारे ऐसे एक नेचर तैयार होनी चाहिए, हमें ऐसे ऐसे एक नेचर बननी चाहिए। क्या नेचर है? मंगलारती के बगैर रह नहीं सकते, हरि नाम किए बगैर रह नहीं सकते, कीर्तन रहने बगैर रह नहीं सकते, हरी कथा के बगैर रह ही नहीं सकते। नेचर हमारी ऐसे बन चाहिए, साधु संग में रहते 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 हमारी ऐसे एकदम नेचर बननी चाहिए। अगर ऐसे नेचर बन जाए ना, बस हमारी कल्याण हो जाएगा। ये कौन सा पेड़ है? ये बड़ा पेड़ है जो अपने आप नीचे से पानियों को, अपने आप पानियों को जो ले जाए। इसलिए साधु संग की बहुत जरूरत है, किंतु अधिकार अनुसार संघ है, निकट थाकिले जो संघ है का ना। देखो यहाँ क्या प्रभुपाद कहते हैं कि जो साधु संघ है कि ये अधिकार के अनुसार में साधु संघ होता है। अगर कोई सोचा हम साधु के साथ में रह जाने पर क्या भजन हो जाएगा, तो कोई कहते साधु संघ के साथ में रहने पर क्या भजन हो जाएगा? प्रभुपाद कहते ये भी नहीं। अगर तुम्हारी भक्ति करने का वृत्ति नहीं हो, भजन करने की वृत्ति नहीं हो, जितने साधु संग में रहो भैया कुछ होने वाले नहीं, नज़र रहेगा गुरु जी की पकड़ का तरफ में नज़र रहेगा, गुरुदेव कब जल्दी जल्दी जाए और उनका जितने संपत्तियों को सारे संपत्ति का मालिक कब हम आ जाए, सारे संपत्ति के मालिक कब हम बन जाए, गुरु जी की सेवा करेगा सब कुछ करेगा, लेकिन नज़र कहाँ रहेगा? नज़र गुरु जी की संपत्ति के प्रति नज़र रहेगा, गुरु जी जो भक्ति दे रहे हैं वो भक्ति के प्रति नज़र नहीं रहेगा। गुरु जी को पास में रहकर कुछ कमा ले, भविष्य में क्या होगा पता नहीं, जीवन का बास हो गया है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कहते निकट रहने से ही संग होता है, ये भी नहीं। तब उदाहरण देते हैं जो जिनका जटाजुट होता है ना साधुओं का, लेकिन उसमें एक जू रहता है, उसे क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। लेकिन वो क्या करता है? खून चूसता है। वो रह करके भी साधु का क्या खून चूसता है। इसलिए अगर साधुओं के पास में रहे
केवल अपना मतलब हासिल करने के लिए खून चूसने के लिए। तब प्रभुपाद कहते भैया साधुओं के पास में रहने पर भी ये तुम्हारी रहना नहीं। और हमारी मेरी जो गुरुदेव उनका 31 उपदेश है, उसको उपदेश में एक उपदेश है। गुरु जी कहते हैं तुम किस उद्देश्य को लेकर के मंदिर में आया था, किस भाव को लेकर के मंदिर में आया था, ये बात कब प्रकाशित होता है? बोले गुरुदेव का अप्रकट को बाद। जब गुरुदेव रहते हैं कभी कभी हम अपना स्वभाव को दबा करके रखते हैं, लेकिन जब गुरुदेव चले जाते हैं ना फिर अपना स्वभाव को प्रकाश हो जाता है, अपने फिर स्वभाव में आ जाते हैं। फिर मंदिर को दखल करना है, मंदिर में दखल करके जोर जबरदस्ती मंदिर को दखल करना करके उसका अधिकार प्राप्त करना। भैया अगर घर जब छोड़ करके आया था अगर इसीलिए आया था तुम्हें, घर तक जो छोड़ करके आया था पिता माता भाई बंधु को छोड़ करके, हम तो भजन करने के लिए आए थे, भक्ति करने के लिए आए थे। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं मैंने जो प्रतिष्ठान को बनाया है इसका कोई बिंदु मात्र भी जैसे कोई हानि नहीं होनी चाहिए, कोई बिंदु मात्र इसकी कोई हानि नहीं होनी चाहिए। अगर तुम भजन नहीं कर सकते घर में जाओ गृहस्थ बनकर भजन करो, नहीं तो किसी शुद्ध तीर्थ स्थान में जाओ, तीर्थ स्थान में जा कर के बस वहाँ पर भगवान की भजन करो। लेकिन गुरुदेव कहते मैंने जो अनुष्ठान मैंने बनाया है अनुष्ठान जैसे ये इसका कोई बिंदु मात्र कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हृदय में अगर सचमुच से शुद्ध भक्ति की भावना रहेगी भगवान किस चीज़ की कमी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अगर हृदय में शुद्ध रूप में भजन करने की भावना रहेगा, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ऐसे नहीं गुरु जी को पास में रहने पर ही भक्ति हो जाएगी। अगर तुम्हारी हृदय में अन्याय अभिलाषिता हो, पास में तो रह रहे हो लेकिन कोई दूसरे कामना वासना तुम्हारे हृदय में है, और कोई दूसरा कामना वासना, कहते भैया गुरु जी को पास में रहने पर भी वो गुरु जी के पास में नहीं रहे हैं। लेकिन गृहस्थ भी रहने पर भी जैसे रामानुजी आचार्य जी का जो धनुर्धर था वो गृहस्थ था, वो गृहस्थ था घर में, लेकिन गृहस्थ होने पर भी लेकिन गुरु जी की जो सेवा की जो भावना उसको प्रति थी ना वो अद्भुत रूप में सेवा की भावना थी। लेकिन रामानुजी आचार्य कौन लक्ष्मण, उनको पास में जो रहने वाले सन्यासी उन्होंने उनको परीक्षा करने के लिए वो क्या करते थे, जब रामानुज आचार्य जब स्नान करने के लिए जाते थे हैं वो क्या करते थे, कभी शरीर में तेल लगाते थे, तेल लगा करके उनका जो त्यागी शिष्यों का कंधे पर हाथ रख करके जाते थे सन्यासियों का। लेकिन जब स्नान कर लेते थे धनुर्धर मोटे थे और पहलवान थे, लेकिन जो आते थे ना उठते थे नहाने का बाद वो धनुर्धर के कंधे पर हाथ रख करके, अभी तो ईर्षा हो गया त्यागी सन्यासियों का, बोले हम सब कैसे वो सन्यासी, और गुरु जी जब शरीर में तेल लगाते जो अपवित्र होते हैं तेल लगा अपवित्र है उसी समय तो जाते हैं नीचे उतर करके स्नान के लिए, और जब स्नान कर लेते ये गृहस्थ इसको कंधे पर हाथ रख रुक रहते ये हमारे अपमान है। एक तक गुरु जी का प्रति मर्त्य बुद्धि है, क्यों गुरुदेव हर समय पवित्र है, तेल लगाए नहीं लगाए गुरुदेव पवित्र है, हैं गुरुदेव का लक्ष्मण साक्षात कोई साधारण व्यक्ति है, हैं ये मर्त्य बुद्धि गुरु जी का प्रति। लेकिन उन्होंने परीक्षा जब देखा इनके अंदर में ऐसे चर्चा होने लग गई, उन्होंने क्या किया ऊपर जो लंगोटी रख करके स्नान करने के लिए गए थे ना वो थोड़ी लंगोटी कपड़ा इधर उधर कर दिया, ये जब स्नान करके आए बोले मेरी लंगोटी कहाँ गई, मेरे कपड़ा यहाँ कैसे, उसने देखा उसका कपड़ा वहाँ पर, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया लड़ाई झगड़ा। रामानुज आचार्य से देख लिया, देख करके तब उन्होंने क्या किया बोले देखो धनुर्धर को देखो तुम तो ये कपड़ा लता किसने दिया, मैंने दिया है, थोड़ी सी अदला बदला हो गया तो लड़ना शुरू कर दिया, अभी देखो धनुर्धर को देखो इसकी चित्तवृत्ति देखो। गुरु जी ने कहा देखो आज जब मैं हरी कथा बोलूँगा हैं, हरी कथा बोलते समय एक काम करना, धनुर्धर रोज कथा सुनने के लिए आता है रोज, बोले एक काम करना उसको घर में चले जाना, घर में जा करके उसकी जो पत्नी घर के सारे सामान को तुम चोरी करके ले आना, जब चोरी करके ले आओगे इशारा करोगे ना मैं फिर छोड़ूंगा, फिर धनुर्धर जाएगा घर में ही। तो उन्होंने गए, जब गए उनका पत्नी दूर से देख लिया अरे गुरु भाई लोग आए घर में,
गुरु भाई लोग आप देखा सामान को उठा कर ले जाते, बोले अच्छी बात है गुरु जी की सेवा के लिए ले जा रहे हैं, गुरु जी की सेवा के लिए ले जा रहे, खुश हो गए। लेकिन इधर वो सो रही थी, उसको शरीर में भी गहना थी सोने चांदी का, वो एक फिर खोलने लगे और आँख बंद करके चुपचाप पड़ी रही, बोले अच्छी बात है गुरु भाई लोग ले जाएंगे और गुरु जी की सेवा में लगाएंगे तो धन्य हो जाएगा हैं, कितनी अच्छी भावना देखो। उसको बाद में एक तरफ का तो खोल लिया, अभी दूसरे तरफ का खोलेंगे, बोले इधर इधर बाकी रह गया, उधर तो गुरु जी की सेवा में लग गई, उसने थोड़ा करवट ले लिया, बोले इधर का भी खोल ले। लेकिन उनको पता चला ये जग गई, लेकिन पहले से जगी हुई थी वो, सदा जग गई भाग्य से उनके साथ, जो भाग गए और गुरु जी को इशारा किया हाँ हम सब कुछ लेकर आ जाए, आ गए। तो गुरु जी ने कथा को विश्राम दे दिया, बोले जाओ उसका पीछे पीछे जाओ, ये क्या बात करते उसको सुनकर जाना। जब धनुर्धर घर में आए उनको पत्नी ने देखा, बोले सुना हो क्या, बोले क्या है क्या है, बोले आज हमारे घर में गुरु भाई आए थे, बोले फिर, बोले सारे सामान को गुरु जी की सेवा के लिए ले गए, बोले फिर, बोले मेरे एक शरीर का आधा अंग का तो अलंकार ले लिया लेकिन आधा अंग का अलंकार था गुरु जी की सेवा में नहीं लग पाए, बोले क्यों, बोले मैंने सोचा थोड़ा करवट ले लूँ फिर दूसरा के तरफ मैं खोल लेंगी। लेकिन उनको पता जग गए तो भाग गए, उन्होंने इतना डांट लगाया, बोले तेरे को करवट लेने का क्या जरूरत था हैं, तो वैसे पड़ी रहती, देखो आधा गुरु जी की सेवा में कमी रह गई ना, सेवा में लगी नहीं। जब इस बात को सुने तब वापस आए, बोले क्या, बोले बोले ऐसे ऐसे, बोले देख लिया वो गृहस्थ है लेकिन उसका चित्तवृत्ति को देखा तुमने, घर में रहते हुए भी गुरु जी की ठाकुर जी की चरण में कितने समर्पित आत्माएं, कितने समर्पित आत्माएं। मेरे मेरे गुरु जी का एक शिष्य वो थे, मेरे गुरु जी का शिष्य थे वो गृहस्थ थे, उनका नाम था सुदर्शन दास, सुदर्शन दास वो ना वो बड़े लंबे चौड़े भगवान लंबे चौड़े हैं, वो तो एक तरह का राक्षस था, उसका तीन पत्नियाँ थी, कितना पत्नियाँ थी, तीन हैं, कहते एक में तो उड़ीसा की, वो है उड़ीसा की, एक उड़ीसा की थी और दो बंगाली थी हैं, एक घर में रहती थी वैसे और एक पाल रही थी और एक उड़ीसा की, तीन उसकी पत्नी थी और उसकी तीन चार दुकान, अच्छे मार्केट में खूब पैसा कमाई होता था, दारू पीता था, एक साथ में दो तीन किलो मांस खा जाएगा एक साथ में, और जब वो दारू जहाँ पर बिकता है जहाँ पर सब शराब पी कर बैठे रहते हैं, जब ये घुसेगा ना सब भाग जाएगा, कोई नहीं रहेगा वहाँ पर, और ये दारू और मांस हैं, जब वो दारू पीने का समय आता था पेट में यंत्रणा होना शुरू करता था, पेट में बड़ा यंत्रणा, जब तक तो वो दारू और मांस नहीं खाएगा तो यंत्रणा खत्म नहीं जाएगा, ये दारू पी करके वहाँ के टेबल चेयर को उठा करके ना घुमाना शुरू करता था, और सारे पियकड़ भाग जाते, वो घुस गया सब पियकड़ भाग जाएंगे, वे लंबे चौड़े थे। लेकिन हमारे गुरु जी की ऐसे जैसे महाप्रभु ने जगाई माधाई का उद्धार किया ना, हमारे गुरुदेव भी इसको उद्धार किया, गुरुदेव इसको उद्धार किया है, ऐसे उद्धार किया। एक बार को गया हुआ था नवद्वीप, महाप्रभु का जैसे महाप्रभु का जन्मतिथि पर नवद्वीप में हमारे गुरु जी का मठ देखे कि नहीं, देखे हो गुरु जी का मठ है, जब हमारे गुरु जी के मठ में जब गए दारू पी कर रखा था, अब देखना थोड़ी अगर कोई कीर्तन हो ना जो दारू पीते थे ना बात झूमने लग जाते हैं, अभी उसने वहाँ पर गया और जा करके उस समय में 5 रुपया निकाल करके मंदिर में देते, 5 रुपया उस समय बड़ी कीमत था। तब पुजारी ने क्या किया, ठाकुर को जो प्रसादी माला था ना वो प्रसादी का माला उसको गले में दे दिया, जब 5 रुपया दिया पता नहीं क्या ठाकुर को कीर्तन में थोड़ा नाचने लग गया, ठाकुर का कीर्तन मृदंग बज रही थी और ठाकुर जी की प्रसादी माला पता नहीं उसको स्पर्श होते उसका मन बदल गया, वो कहता है आपका गुरु जी कौन है मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, और उससे मुंह से बदबू निकल रहा था, शराब पी रखा था बदबू, बोले ये क्या गुरु मंत्र लेगा, ये तो शराब पी कर रखा मांस खाता है। तब उन्होंने बोले देखो हमारे जो गुरु जी है ना वो कलकत्ता में रहते हैं, वो तो रहता था कलकत्ता, बोले कलकत्ता में कहाँ रहते हैं, बोले ना 29B हाजरा रोड, हाजरा रोड में गुरुदेव वहीं पर रहते, वहीं पर सारस्वत गौरी मठ है। उसने एड्रेस लेकर गुरुजी के पास में आए और शराब पी कर एकदम हैं झूमते झूमते गाए, बोले गुरुजी हमें दीक्षा चाहिए, गुरुजी हमें मंत्र चाहिए, लोग का पहले भावना होती थी
गुरु दीक्षा लेनी ही चाहिए है। बोले गुरु जी हमें दीक्षा मंत्र चाहिए, और उसको मुंह से बदबू आ रहा था शराब का। गुरु जी ने कहा देख बेटा, हमारे यहाँ दीक्षा लेने के लिए चार नियम पालन करना पड़ेगा, इसलिए पहला नंबर है जुआ नहीं खेलना, दूसरा नंबर है किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेना, तीसरा है अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करनी चाहिए, स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री से नहीं मिलनी चाहिए, चौथा जीव हिंसा है, ये मांस मछली अंडा प्याज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ये चार चीज़ अगर पालन करोगे तो फिर दीक्षा मिलेगा, नहीं तो दीक्षा यहाँ नहीं मिलता है। बोले गुरु जी जब तक मैं दो तीन किलो मांस खा नहीं लूँ, जब तक शराब नहीं पी लूँ, मेरा पेट में इतने दर्द होता है, मैं कैसे रक्षा करूँ। तो गुरु जी ने कहा देख बेटा, अगर तुम छोड़ करके भगवान का नाम को ग्रहण करोगे ना, फिर कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम इसको छोड़ दो, और तुमको अकेले नहीं दूंगा जब तक तुम्हारी स्त्री नहीं लेगा, क्योंकि बंगाल में सब मांस मछली खाने वाले हैं, इधर तो निरामिषी भोजी, सब मांस मछली, उनको पत्नी को हाथ में तो भोजन करोगे, इसलिए पहले अपना पत्नी को मनाओ। तो उसने आए अपना पत्नी को ऐसे ऐसे बोले, मैं दीक्षा मंत्र लेना चाहता हूँ गुरु जी से, और गुरु जी ने पहले पत्नी को मनाओ हैं, पत्नी को मनाओ और पहले तुम ये मांस मछली सब छोड़ो। पत्नी तो राजी हो गई, बोले क्यों, ये जब शराब पी करके आता था उसका पत्नी अंदर में घुसने नहीं देती थी, क्योंकि मार पीट करता था, इसलिए रिक्शा वाला लाकर घर को सामने छोड़ जाता था, वो रात भर घर के बाहर पड़ा रहता था, सवेरे नशा उतरने पर अंदर में आता था, वो तो खुश हो गई, अच्छी बात छोड़ देगा सब चीज़ को, हम दोनों दीक्षा मंत्र लेंगे। फिर तो दीक्षा मंत्र लिया, आप सोच नहीं सकते गुरु जी को उसने जो सेवा की है ना, हमारे गुरु भाई लगते हैं, उसका तीन चार पकौड़ा पकौड़ा जो तेल भाजी बनता है, और गुरु जी को उसने गाड़ी में स्वयं गुरु में जो प्रचार करने के लिए गुरु जी जाते थे, ये स्वयं उनको गुरु जी को सब जगह पर यही ले जाया करता था, और जो मंदिर में आता था ना, आते थे मंदिर में रोज पकौड़ा समोसा, बढ़िया समोसा है, पकौड़ा समोसा तेल भाजी कितने तरह मिठाई रोज रोज मंदिर में लेकर के आता था, रोज रोज मंदिर में। और जब वहाँ से जब कलकत्ता से पूरी आता था ना सुदर्शन दत्त, ए हमारी ब्रह्मचारी सुनते इतने खुश हो जाते थे, क्योंकि रोज रोज बढ़िया 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 प्रसाद बनाता था, रोज रोज आप अपना हाथों से बनाता था और भक्तों को खिलाया करता था, हम लोग खुश हो जाते थे, हम पूरी में थे सुदर्शन दत्त आ रहे, ए बढ़िया प्रसाद मिलेगा। मतलब उसने इतने घर में रहते हुए भी उसने इतने सेवा की, उसका जो बेटी अल्पना दीदी है, जानते हो तुम, अच्छा अल्पना दीदी जो तुम जानती हो, हमारे साथ ज़्यादा बात करती है ना, वो भी अच्छा अच्छा प्रसाद बनाती है, इसलिए वो उनका जो पूरा परिवार इतने भक्त इतना भक्त, इसलिए यहाँ पर कहते हैं ऐसे नहीं जो त्यागी साधु ही भक्त बन जाते हैं, लेकिन गृहस्थ में भक्त नहीं, कभी कभी गृहस्थ में त्यागियों से भी जो भावना युक्त है अच्छी भावना युक्त कभी गृहस्थ में, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भैया साथ में रहने पर भी ये मत समझो शुद्ध भक्त हो गया साथ में, कहते ऐसे नहीं, बोले अति दूरे थाकियाओ संग है, कभी कभी दूर में रहते हुए भी संग होता है, अगर गुरु जी के उपदेश को उनको आदेश को अगर भजन को अगर सही सही कोई पालन करता है तो दूर में रहते हुए भी भक्ति हो सकता है, ऐसे नहीं साथ में रहते हुए भी केवल भक्ति होगा, दूर में रहते हुए भी कभी ज़्यादा भक्ति हो जाती है, क्योंकि विरह रहता है उत्कंठा रहता है, हैं उत्कंठा रहता है, इसलिए कहते वो भी भक्त हो जाती है। इसलिए आवार एक घरे बास करियाओ संग है ना, कभी कभी गुरु जी को साथ में एक साथ में सोते हैं, हैं एक साथ में गुरु जी को साथ में सोते हैं, बोले भैया एक घर में सो करके भी संग नहीं हो सकता है, हैं और दूर में रह करके भी संग हो सकता है, अगर गुरु जी की आदेश उपदेश को अगर कोई पालन नहीं करे, पास में रहते हुए वो पास में नहीं। आबार कहते आबार निकट थाकियाओ संग है ना, दूर थाकियाओ संग है ना, साधु संगेर सुजग प्रदान रे जनेई मठे उत्सव आदि व्यवस्था, इसलिए मंदिर में जो उत्सव जैसे अभी क्या जन्माष्टमी ना, जन्माष्टमी अभी जन्माष्टमी के उद्देश्य करके क्या हो रही है, भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है ना, भक्त लोग आ रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं हरिकथा सुन रहे हैं, इसलिए मंदिर में जो उत्सव का मतलब क्या है,
इसका तात्पर्य उत्सव क्यों होता है, इसलिए भक्त लोग आए उत्सव से। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आएगा, मंदिर सजाएंगे, ठाकुर का घर सजेगा, मंदिर सजेगा, भक्त लोग आएंगे, हरी कथा होगा, हैं। इसलिए कहते बारह, कहते 12 महीना में 13 यात्रा, हमें उड़ीसा में कहते हैं जगन्नाथ जी की महीना तो 12 है लेकिन 13 यात्रा, 13 उत्सव है। ये उत्सव क्या करता है, उत्साह ले आता है। ये तो हर समय एक ही जैसा रहे ना, कभी कभी मन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है, लेकिन उत्सव आ गए तो ये सजाओ, वो सजाओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ये करो। हे भक्तों, जगन्नाथ जी रथ यात्रा आएंगे, नृत्य कीर्तन करते करते जाएंगे, इसमें क्या हो जाता है, इसकी बहाना से उत्साह हो जाती है, और इसकी बहाना से क्या हो जाता है, साधु संग हो जाता है, हैं। जैसे हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज क्या बोलते थे, बोले मैं साल में 3 बार चार्ज करता हूँ, चार्ज दे देता हूँ, कहते एक तो ब्रजमंडल परिक्रमा, एक महीना में परिक्रमा, साधु संग, फिर नवद्वीप परिक्रमा। अभी जैसे नवद्वीप परिक्रमा होता ना, पहले ऐसे नहीं होती थी, पहले क्या होता था, जैसे परिक्रमा करने के लिए जब जाते थे, अभी इतना लोग भी नहीं होते थे, अभी जितना लोग तो नवद्वीप परिक्रमा में गए हो, कौन गए, कितने लोग होते, एक घंटा हो गया देना, मंदिर से लोग निकल रहे, मंदिर लोग, मंदिर से लोग निकल रहे, एक घंटा हो गया लेकिन मंदिर से लोग पहुंच गए जहाँ पर। इसलिए पहले क्या होता था, वो परिक्रमा में क्या होते थे, लोग कम होते थे, जहाँ जाते थे वहीं पर टेंट बना कर रह जाते थे, हम वहीं पर रसोई बनती थी, वहीं पर खाते थे, प्रसाद पाते थे, फिर वहाँ से फिर क्या करते थे, और अभी इस्कॉन भी ऐसे करता है, इस्कॉन भी ऐसे करता है, इसलिए वहाँ पर रह कर कथा होती है, वहीं पर विश्राम करते हैं, और उनका डबल टेंट रहता है, जब ये तो यहाँ टेंट लगा हुआ, फिर अगली टेंट कहाँ लग गया, वो जाकर लगा देते हैं, हैं, लगा देते हैं और वहाँ व्यवस्था करते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, वो कहते एक तो नवद्वीप परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा, और एक क्षेत्रमंडल परिक्रमा, रथ यात्रा, रथ यात्रा है, रथ यात्रा है। इसलिए कहते 3 साल में 3 बार भक्तों को बुलाते थे, खूब कीर्तन हरिनाम खूब होगा, अरे भक्त पर खूब हरी कथा होगी, हरी कथा होती है ना, उसमें लोगों को चार्ज हो जाता है, हैं। फिर घर में जब जाएंगे, इतना हरी कथा सुनकर गए तो चार्ज बना रहता है, हरिनाम करना, तिलक करना, ठाकुर का सेवा पूजा करना, स्तुति, जब धीरे धीरे चार्ज धीरे धीरे कम होता है ना, फिर दूसरा उत्सव आते हैं, फिर गुरु जी के मठ में आ जाते हैं, आ करके फिर उन्हें फिर उत्सव होता है, ऐसे ही ऐसे ही। इसलिए यहाँ कहते हैं साधु संगरे सुजोग प्रदान जन्य ही मठ उत्सव आदि व्यवस्था, मठ में उत्सव क्यों आता है, क्यों होता है, साधु संग मिलेगा, ऐसे नहीं केवल मठ में उत्सव है चलो, केवल प्रसाद पा करके, आज जब प्रसाद का समय आएगा तब आएंगे, अब प्रसाद पाए और चले गए, नहीं इसका उद्देश्य ही नहीं। जिसलिए हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी विशेषकर हम यहाँ पर देखा है मठ में, महाराज यहाँ पर मठ में, भैया हरी कथा को महाराज ने मुख्य रूप में रखा है, हरी कथा को मैंने देखा, जैसे ठाकुर का आरती, जैसे 6 बजे ठाकुर जी का आरती है, लेकिन मैंने देखा मथुरा में जब हरी कथा होती थी कोई तो उत्सव हरी कथा हो गया, लेकिन इस जैसे झूला है वृंदावन में देखा है ना, कितने बजे आरती होती है, इस बार कितना बजे आरती हुई, कहते 8:30 बजे, लेकिन आरती कितना बजे होनी चाहिए, 7 बजे, लेकिन यहाँ 1.5 घंटा बाद। इसलिए हमने देखा महाराज जी जितने ठाकुर को आरती में जो इसमें जितना करते उसमें ज़्यादा महत्व देते हरी कथा, हरी कथा में मूल है, हम लोग किस लिए आए, हरी कथा सुनने के लिए ही आए हैं, मुख्य उद्देश्य हरी कथा है। इसलिए मठ को, मठ का मतलब क्या है, पठंती बसंती जत्र छात्रा, जहाँ पर पारमार्थ की छात्र का निवास है, जहाँ पर समस्त भक्ति ग्रंथों को पठन पाठन करना, पठंती बसंती, जहाँ पर रह करके शास्त्र ग्रंथ को अध्ययन करना, गीता रामायण भागवत पढ़ना और परमार्थ तत्वों को जहाँ अनुशीलन करना, वो मठ है। अगर मठ में असली चीज नहीं हुआ, हरी कथा नहीं हुआ, प्रसाद पाए बस हो गए, बस हो गया, नहीं मैं वस्तु ही मंदिर का हरी कथा है। जने मठवासी बोले गृह व्रत धर्म ध्वंस करिया, कृष्ण व्रत करिवार जन्य ही जीव दया नामे रुचि हरि गुरु वैष्णव से बार सुजग प्रदानार्थ उत्सव अनुष्ठान। कहते मंदिर में जो उत्सव होता है क्यों होता है, कारण क्या, तो यहाँ कह प्रभुपाद कहते हैं गृह व्रत धर्म को ध्वंस करिया,
कृष्ण व्रत परिवार जनी जीवर दया, इसलिए वास्तव रूप में जीव दया कहते हैं किसको, कहते जीव दया उसे कहते हैं कहते गृह व्रत धर्म को नष्ट करना है। गृह व्रत मतलब क्या है, जिसने अपना व्रत ही ले लिया, यही बेटा बेटी नाती पोती और सवेरे उठते ही घर में हैं तेल मसाला नमक है कि नहीं, आटा है कि नहीं हैं, और ये जो संसार जो माया की संसार ही हमारे जीवन का सब कुछ है, जिसने सोच लिया इसके सिवाय दुनिया में कुछ नहीं, बस पैसा ले आओ खाओ पियो बेटा बेटी नाती पोती को लेकर जीवन को बिता दें, इसको कहते गृह व्रत है। लेकिन प्रभुपाद कहते ये गृह व्रत को नष्ट करके कृष्ण व्रत परिवार जन्य जीवन को क्या व्रत बनानी चाहिए, कृष्ण व्रत जीवन हो है, हर चीज में भगवान की याद आए, भगवान की याद के बगैर और कुछ याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसको कहते जीव दया। नामे रुचि हरि नामे रुचि हो और हरि गुरु वैष्णव सेवा सुजोग प्रदानार्थ उत्सव, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में हमारी सुजोग हो इसलिए मठ मंदिर में उत्सव होता है। मठ जो उत्सव आदि करा है, श्रीमद् भागवत पाठ करा है, हरि कथा आलोचना करा है, ताहर मूल उद्देश्य चेतन वृत्ति उन्मेषित करा। मंदिर में जो उत्सव होता है भागवत होता है हरि कथा होता है, उसका उद्देश्य क्या है, बोले उसका एक उद्देश्य है जो चेतन का जो वृत्ति को उन्मेषित करना। हमारे जो चेतन का जो वृत्ति है, भक्ति करने का जो चेतन का वृत्ति, उसको जागृत करना है, हमारी जागृत हो जाए, हमारी भगवत नाम में भगवत सेवा में भजन में हमारी रुचि हो जाए। कहते सत्संग हरि कथा श्रवण द्वारा चेतन उनमें सहे जीवर मंगल लाभ है, थाके भक्त ही साधु भोगी व त्यागी साधु नहीं। कहते भी बोलते हैं भैया साधु संग करनी चाहिए, कहते ना साधु संग करनी चाहिए, कहते साधु कौन है, कहते भक्त ही केवल साधु है जो हर समय भगवान की सेवा पूजा भजन में जो लगे हुए हैं। इसलिए कहते भोगी व त्यागी है, जो भोग में प्रवृत्त है और जो त्याग में प्रवृत्त है, कहते भैया वो साधु नहीं है, वो साधु नहीं। इसलिए वृंदावन परिक्रमा में जाओगे वहाँ पर कहीं आश्रम बोले त्यागी साधु आश्रम, त्यागी महात्यागी साधु आश्रम, बोले भैया किस चीज़ की तुमने त्याग दिया है, तुमने लाया क्या और त्याग किया दोगे, सब तो भगवान की ना, सब कुछ भगवान की। एक समय हमारे अभी जो भक्तिरंजन सागर महाराज अभी हमारे गुरु जी के मठ में जो इंचार्ज है, एक दिन हमने देखा एकदम नए नए नोट को ऐसे ऐसे सजा सजा कर रख रहे थे, जो नए नए नोट को ऐसे सजा सजा कर रख रहे थे जो रख रहे थे, मैंने कहा महाराज जी आप ये पैसा को इतना सजा सजा करके नए नए नोट को ये सजा सजा करके रख रहे हो, देखो मतलब उनका भावना क्या है, भले जानते हो ये पैसा कौन है, यदि ये पैसा राधा रानी लक्ष्मी है ना, मूल लक्ष्मी कौन, राधा रानी, इसलिए हम इसको सजा सजा कर रख रहे हैं, इसलिए ये राधा रानी कृष्ण सेवा में लगे, अगर ये नहीं होगा तो राधा रानी कृष्ण सेवा में लगेगा क्या, ये होगा तभी तो कृष्ण सेवा में लगा सकते हो ना, इसलिए हम इसको सजा सजा कर रख रहे हैं पैसा को, हैं ये ठाकुर की सेवा में, ये राधा रानी इनके बगैर कृष्ण गोविंद का सेवा हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम पैसे को आदर करते हैं। अगर हमारी ये चित्तवृत्ति आ जाए, ये पैसा किसके लिए, अपना भोग के लिए नहीं, ये त्याग के लिए नहीं, हम त्यागी, हम कोई कहते ये अरे ये बहुत बड़े साधु, बोले कि बोले पैसा को छूते ही नहीं, पैसा को छूते नहीं, लेकिन चेले को बोल देते हैं देख लेना, हाँ चेले को देख लेना, ऊपर से क्या बोलते हैं, हाँ ऊपर से क्या बोलते हैं, अरे हम साधु हम पैसा छूते नहीं, दूर भगाते हैं, लेकिन चेले को पहले नियुक्त करके इसलिए कहते नहीं हम लोग क्या करते, इसलिए किसने प्रभुपाद को बोले, क्या प्रभुपाद को बोले हैं, जो बाग बाजार गौड़ी मठ अपने कलकत्ता तो गए नहीं, वहाँ पर बाग बाजार गौड़ी मठ बड़े सुंदर मंदिर था, जब उन्होंने बड़े सुंदर मंदिर प्रभुपाद ने बनाया, चेयर रख लिया हैं, चेयर को रख लिए बड़े सुंदर रूप में, किसने बोले प्रभुपाद को आप साधु लोग पेड़ के नीचे रहते हैं, हाँ साधारण लोगों का भावना क्या, जटा जुटा होगा साधु को पेड़ को नीचे साधु लोग रहेंगे, आप इतना सुंदर मंदिर बना दिया, कारपेट बिछाइए और सब के सब सुंदर चेयर सब, ये सब करने का क्या जरूरत है,
प्रभुपाद ने कहा देखो ये सब मैं अपना लिए नहीं बनाया, ये तुम जैसे बाबू लोगों के लिए ना, तुम जैसे बाबू भाई भैया बाबूओं के लिए मैंने बनाया। अगर मैं पेड़ के नीचे बैठेगा तो यहाँ पर नहीं आता कभी, अगर मैं पेड़ के नीचे रहता तो तुम कभी कथा सुनने नहीं आता, इसलिए इतना सुंदर मंदिर बन गया, कारपेट बिछा है, चेयर बिछा है, तभी तुमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तभी तुम लोगों को यहाँ दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ नहीं आते। ये मेरे लिए नहीं है तुम्हारे लिए, और ये मंदिर मेरे लिए नहीं, ये मंदिर ठाकुर के लिए, क्योंकि जो ठाकुर है समस्त विश्व ब्रह्मांड का मालिक यही है, दुनिया इसने बनाया है। अरे विषय लोग क्या कर रहे हैं, इनकी वस्तु का अपना सेवा में भोग कर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए मंदिर बनाया, ठाकुर ही लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी उन्हीं की है, उन्हीं के लिए हम भगवान मंदिर उन्हीं के लिए हमने बनाया है, इसे मेरे लिए नहीं, ये भक्तों के लिए और तुम लोगों के लिए ठाकुर के लिए हमने बनाया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते भोगी जो भोग जो त्यागी भोगी भी साधु नहीं, कहते त्यागी भी साधु नहीं, भोगी मतलब जो अपना केवल अपना भोग के लिए अपना सुख के लिए ठाकुर की सेवा से कोई मतलब नहीं, त्यागी मतलब ये सब माया है, ये सब माया है। इसलिए मायावादी लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते ये माया, अगर संदेश भी खाएंगे ना मिठाई, बोले कौवा का बिष्टा खा रहे हैं, खीरी भी खाएंगे बोले कुत्ते का बिष्टा खा रहे हैं, हमारे सबसे विरक्ति हो जाए, लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं, भक्त लोग तो एक भी चीज़ को आस्वादन करते करते खाते, अरे चाटनी कितने सुंदर बनाया, अरे गजब की चाटनी बनाया, अरे खीर क्या शुद्ध शुद्ध बनाया, राधारानी लगता है आज राधारानी ने खीर बनाई, आज कृष्ण ने आरव दी खीर को, ये कितना सुंदर बनाया, क्या पोहा बनाया, कितना सुंदर हैं डालिया बनाया, कितना सुंदर शाही पनीर बनाया, लगता है इतने स्वाद है, जरूर राधारानी ने ही बनाया कृष्ण के लिए। इसको जो आस्वादन करते हैं ना, याद किसके आता है, ठाकुर जी ने आस्वादन किया है। इसलिए भक्त लोग जो कुछ करते हैं भगवान के लिए करते हैं, अपना लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए भक्त साधु संग कर ले जाना जाए जे भोगेर पथ जे रूप कुपत, त्यागेर पथ जे रूप विपत, फलगु वैराग्य पथे दिशे हरा हैया, त्यागर पथ ग्रहण करिया छे जड़ जगतर प्रति प्रीति वा प्रीति राहित्य उभय इस विमुख का। देखो देखो कितना प्रभुपाद कितने अच्छी बात कहते हैं, दरवाजा बंद कर दो तो उसको दरवाजा, प्रभुपाद कहते हैं जब हम भक्तों का संग करते हैं, कि जब शुद्ध वैष्णव का संग हम करते हैं, कि ऐसे संग से हमें पता क्या चलता है, कि जो भोग का जो रास्ता ये कुपत है, जो लोग केवल अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, सब कुछ कमाओ खाओ भोग करो, कि ये रास्ता ये अत्यंत अत्यंत कुपत है, हैं ये, क्योंकि ईशावास सविदम सर्वम जतकृत्या जगत जगत, जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं भगवान ने जगत को बनाया, उसकी सेवा में लगनी चाहिए, हर चीज उनकी सेवा में लगनी चाहिए, तभी वो चीज़ की सार्थकता। लेकिन यहाँ कहते हैं भोग का पथ ये कुपत है और त्याग का पथ ये विपत है, सब त्याग करो, सब त्याग करो, सब माया माया सब त्याग, बोले ये भी विपत है, वो भी कुपत है, वो भी सही पथ नहीं है, लेकिन फल वैराग्य मध्य पथ है, दिशाहरा होइया त्यागर पथ ग्रहण कर लिया छे, एक वैराग्य होता है फल्गु, फल्गु वैराग्य, फल्गु मतलब वैराग्य मतलब क्या है, कहते एक फल्गु नदी है, माता सीता ने अभिशाप दिया है नदी को, अब क्या नदी को अभिशाप दिया, ऊपर ऊपर रहती दिखता है, लेकिन थोड़ी सी आप हटाओगे ना नीचे नीचे को नीचे देखोगे पानी बह रही है, किया ऊपर में त्यागी का, लेकिन अंदर में भोग की वासना हृदय में, भोग की वासना हृदय में बह रही है, इसलिए ये चीज भी गंदी चीज है। इसलिए ये त्याग को जैसे हम ऊपर साधु का बेच लिया, लेकिन असत संग का छुपा छुपा करके हम असत संग में कहीं जुड़े हुए हैं, छुप छुप कर कहीं हम असत संग, लेकिन ऊपर से तो साधु का वेश धारण किया, लेकिन अंदर में गंदी गंदी संबंध में हम जुड़े हुए हैं, उल्टा पुल्टा रास्ता में जुड़े हुए, इसको कह दिए फल्गु वैराग्य, ऊपर है नदी लेकिन अंदर में पानी नहीं, हृदय से हम जब साधु बने हैं, जब साधु का बेस हमने ग्रहण किया त्यागी का, लेकिन ये हृदय से ही त्याग होनी चाहिए, ऊपर से नहीं,
ऊपर से तो साधु भेष लेकिन छुपा छुपा करके असत संघ का प्रति हमारी आसक्ति और असत संघ में हमारी संबंध है नहीं, ये नहीं होनी चाहिए, ये गलती। इसलिए कहते हैं कि तो गोपन ने तो अत्याचार गोरा धरे चूरी। अब गुप्त रूप में अगर हम उल्टा पुल्टा काम करते हैं, कहते गोरार आमी बोली ले नहीं चले, गोरार आचार गोरार प्रचार लय ले फल बल। केवल हम महाप्रभु के बोलने से काम नहीं चलेगा, लेकिन जब महाप्रभु का आदर्श को ग्रहण करेंगे फिर तो और फल होगा। नहीं तो अत्याचार गोपनीयता अत्याचार छुपा छुपा करके गलत काम करेंगे, भैया महाप्रभु से तुम ठग नहीं सकते, महाप्रभु को तुम धोखे तुम दे नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारी चीज को सारे चीज को देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो सारी चीज को। ऊपर से किसको हम धोखे दे सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी को तुम कभी धोखे नहीं दे सकते। इसलिए हृदय से असत संग को हृदय से हमें त्याग देनी चाहिए, हृदय से हैं। उल्टा पुल्टा काम हृदय से नहीं करनी चाहिए। गलत संगते हमें जब त्यागी साधु वैसे हमने धारण किया, महाप्रभु ने छोटा हरिदासा को मृत्युदंड उन्होंने दिया। केवल उन्हें भिक्षा करने गए थे, चावल केवल बदला करके महाप्रभु के लाए, लेकिन महाप्रभु को त्याग दिया, उन्होंने मृत्युदंड दिया। इसलिए हम साधु जब रूप धारण किए हैं, इसलिए सचमुच से हमें साधु बननी चाहिए, हमें फल को वैराग्य नहीं करनी चाहिए। ऊपर जैसे रेती अंदर में पानी नहीं, हृदय से त्याग करो। हम अपना भाई बंधु पुत्र परिवार कहते घर द्वार हमने सब छोड़ करके किस लिए आए, गुरु वैष्णव ठाकुर को सेवा के लिए आए। सचमुच से ठाकुर को सेवा में करनी चाहिए है, सचमुच से करनी चाहिए। हाँ जब साधन भजन करते हृदय दुर्बल रहता है, हृदय में दुर्बलता कुछ है हृदय में रहता है, क्योंकि अभी हम पूरा के पूरा साधु नहीं, लेकिन होने पर भी अगर जब जानबूझ करके हम प्रसय दे असत संग को, जानबूझ करके कहीं गलत रास्ता पर चलते रहे नहीं, ये अगर कहीं मन जाता है इसको दंडित करके बारंबार उसको सही रास्ता पर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कर रहे तो कर रहे हैं उल्टा पुल्टा संगत में, नहीं हृदय से ये चीज को त्याग देनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं नहीं जो फलगु जो वैराग्य है कहते ये दिशाहारा है, हैं दिशाहारा मतलब जो सही रास्ता में हम चल रहे हैं वो दिशा को वो रास्ता को तुमने छोड़ दिए, दिशाहारा हो गए हो। भैया त्यागे रे प्रथ ग्रहण करिया छे जड़ जगत रे प्रति प्रीति व प्रीति राहित उभय इस विमुखता। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जो जड़ जगत का प्रति जो प्रीति है और प्रीति राहित्य, जड़ जगत प्रति प्रीति भी क्या है कहते ये भी गलत है, अब प्रीति नहीं रहना ये भी गलत है, ये दोनों ही कहते गलत है। कारण क्या बोले, कारण है अगर सब चीज को त्याग त्याग सबके सब माया बोलोगे ना फिर क्या होगा, फिर तुम तुम्हारे हृदय सूख जाएगा, फिर तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति का हृदय जो सरसता रहे, हर चीज भगवान की सेवा की वस्तु रहे ये भावना रहे हैं, सेवा की भावना, नहीं तो हृदय को भी सूख जाता है, हैं सब माया 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 नहीं, ये नहीं हर चीज ठाकुर की सेवा की। इसलिए त्याग भी कहते ये भी गलत है और त्याग नहीं दोनों ही गलत है। इसलिए त्याग रे बता जड़ जगत पृथ्वी कहते भोग और त्याग यही दुई प्रकार इस विमुखता परित्याग ना कर ले भक्ति पूर्ण आश्रय लाभ है ना। कहते जगत का त्याग भी गलती और भोग भी दोनों ही गलती है, ये दोनों चीज को छोड़ करके क्या करनी चाहिए, भक्ति के आश्रय ग्रहण करनी चाहिए। शुद्ध भक्ति विचार बुझित ना पारिले है भोगी ना है त्यागी है या जायता है वे। लेकिन शुद्ध भक्ति का जो विचार है एक अलग विचार है, शुद्ध भक्ति का विचार क्या है, हमें भोगी भी नहीं बनना, हमें त्यागी भी नहीं बनना, हमें क्या बनना, भगवान के भक्त बनना, हमें ठाकुर जी की भक्त बनना, हमें ठाकुर जी। इसलिए ये सारे रास्ता को छोड़ करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कहते साधु संघ से हमें ये चीज शिक्षा मिलता है, इसलिए कहते साधु संघ की अत्यंत अत्यंत साधु संघ की जरूरत है। ठीक है, बोले वांछा अगल करो है कृपा से पतितानंद पावनी भो वैष्णव भो गौर प्रेमानंदे हरि।